शशि प्रकाश सैनी जी ने कहा है, एक शहर है जहाँ इत्मीनान और ठहर है, यहाँ गंगा की लहरें हैं, 80 पे अठखेलियाँ हैं, मणिकर्णिका पे मोक्ष है, लंका पे महामना है, जिन्होंने बोया विद्या का कल्प वृक्ष है, इसकी हर बात में रस है, यह शहर बनारस है। जब भी मैं यहाँ आती थी, I used to fall sick. Over the years, however, I have made efforts to enjoy my visit, and मुझे एक बात ही समझ में आ रही है। अगर आपको सच्ची में बनारस की वो फीलिंग ढूंढनी जिसकी सब बात कर रहे हैं, you will have to do this alone. एकांत में शांति से सिर्फ अपने साथ आपको इस शहर को ढूंढना होगा। And today, I will tell you a one-day itinerary which helped me connect with this city. Start your day early in the morning at around 3:30 to 4 a.m. and go to Assi Ghat. यहाँ जाके you'd soak in the beauty of the ghat, what locals are doing, and drink their famous kulhar chai. जब sunrise होने वाला होगा at around 6 a.m., you can witness the Ganga Aarti, which is one of a kind. गंगा आरती के बाद यहाँ पे हर रोज सुबह एक कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, वेर यू कैन लिसन टू द क्लासिकल म्यूजिक एंड इट इज एक्सट्रीमली अपीलिंग एंड सूदिंग। अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है और यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर, यू कैन देन डिरेक्टली गो टू द बोट राइड फॉर एन एंटायर बोट फॉर ऑलमोस्ट द फाइव ऑफ अस। ही चार्ज समवेयर अराउंड 1500 बक्स एंड इट गोज ऑन फॉर 1 hour टू 1.5 hours। वो लोग 80 घाट से स्टार्ट करते हैं एंड दे शो यू ऑल द 52 घाट्स ऑफ बनारस एंड बैक, विच इज़ अ लवली साइटिंग, क्योंकि आप एक साइड पर सारे घाट देख सकते हो। यू कैन वॉच व्हाट द लोकल्स डू, द रेगुलर लाइव्स ऑफ द लोकल्स, how beautiful each one of them look, and on the other side you can witness the sunset over Ganga. Once you finish your boat ride, I recommend that you take an auto or a rickshaw to the 107-year-old Kachori legend of Chachi Ki Dukan. This is something that I haven't seen people talking about, but ye locals ke beech mein bahut hi famous hai because they have a special taste to their kachori, which is hing, jo baaki ki jagahon se bahut hi different hai. और अगर आप बनारस आए और आपने कचौरी सब्जी नहीं खाया एज ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद सम डेलिशियस जलेबी, देन आपने किया ही किया। अब इस दुकान के बगल में था एक बन मस्का वाला चाय के साथ, जिसको मैं लेट गो तो नहीं कर सकती हूँ बिकॉज बन मस्का इज़ वन ऑफ द अदर पॉपुलर थिंग्स इन बनारस टू ट्राई। आपको बन के साथ या फिर तो मक्खन मिलेगा या मलाई, एंड द चॉइस इज़ योर्स, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। और ये हर जगह हर चाय की दुकान पे अवेलेबल होता है। और इतना खाने के बाद इट वाज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट आई डू समथिंग अबाउट डाइजेस्टिंग दिस फूड, सो वी वेंट टू केशव, जहाँ का बनारसी पान एकदम अमेजिंग है। आई विल लीव द लिंक टू द गूगल मैप्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो इसको फाइंड करने में। अब यहाँ से हम लोग तो घर चले गए थे, बट इफ़ यू आर इन बनारस फॉर जस्ट वन डे, आई रिकमेंड दैट आप जाइए संकट मोचन मंदिर, काली मंदिर और तुलसी मानस मंदिर। आई वुड रिकमेंड एस्पेशली संकट मोचन मंदिर बिकॉज ये बहुत ही ओल्ड मंदिर है इन बनारस। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इन द 16th century, जब उन्होंने पहली बार लॉर्ड हनुमान को अपनी आँखों से देखा था एंड उनके लिए उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया था।
and it is one of the oldest and one of the most popular amongst the locals. Once you have done all these three temples or any one that you like, आप वापस होटल जा सकते हो टू हैव लंच एंड टू हैव सम रेस्ट, क्योंकि आप सुबह से जगे हुए हो. बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी अगैन एट अराउंड 3:30 एंड गो टू द काल भैरव मंदिर. एट अराउंड 3 PM यू शुड गो टू द काल भैरव मंदिर. नाउ अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, योर विजिट टू काशी विश्वनाथ इज इनकम्प्लीट इफ़ यू डोंट विजिट दिस मंदिर. काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल माना जाता है, जिनकी परमिशन के बिना आप बाबा का आशीर्वाद नहीं ले सकते. इसीलिए पहले आप काल भैरव मंदिर करिए, उसके बाद गो टू द काशी विश्वनाथ न्यू कॉरिडोर एंड विजिट द काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड द अन्नपूर्णा मंदिर, जिसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं जहाँ से आप थोड़ी देर मणिकर्णिका घाट पे क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं एंड टेक इन व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन लाइफ. वैसे तो द कॉरिडोर इज ह्यूज, बट आई रिकमेंड दैट आप बहुत ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिएगा हियर. जस्ट डू द टेम्पल्स, स्पेंड सम टाइम लुकिंग एट द मणिकर्णिका घाट एंड गेट आउट ऑफ देयर टू गो टू द शाश्वमेध घाट, जहाँ पे शाम की गंगा आरती होती है एट 6:00. आरती के बाद देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू ईट इन बनारस. आई रिकमेंड दैट आप वहाँ से चौक चले जाइए, जहाँ पे आपको मिलेगा दीना की चाट इन नारियल बाजार. यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई द टमाटर चाट एंड द यमी गुलाब जामुन, जो आपके मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बार बनारस का ये गुलाब जामुन टेस्ट कर लिया, यू विल नॉट लाइक गुलाब जामुन एनीवेयर एनी मोर, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी पर्सनली. उसके बाद आप चाय मक्खन खा सकते हैं लाइक द वे आई टोल्ड यू बिफोर, या तो आप लस्सी ट्राई कर सकते हैं एट एनी लोकल सेंटर एट द शाश्वमेध घाट और द फेमस ब्लू लस्सी. अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव अ ट्राई टू मलाइयो. दैट पर्टिकुलर डे वी डिडंट स्टॉप फॉर द गंगा आरती एंड वेंट बैक होम, और घर जाने से पहले वी स्टॉप्ड एट माई फेवरेट प्लेस, जहाँ की टमाटर चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. नाउ आप ये तो ट्राई कर सकते हो दीना की चाट पे, विच इज़ ऑल्सो रियली अमेजिंग, बट मैं इस पर्टिकुलर शॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो जस्ट इन केस यू आर अराउंड यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. रात में वी वेंट टू बाटी चोखा. वाइल इट इज़ अ न्यू रेस्टोरेंट, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई. हम लोगों ने तीन टाइप की लिट्टी ट्राई की थी, विच इज़ द नॉर्मल वन, द पनीर वन एंड द सत्तू वन. पनीर इज़ अ फैंसी थिंग, is a fancy replacement of the traditional cuisine, but I definitely recommend you try the sattu filled liti, which is one of my favorites, and then retire to bed. Next day in the morning you can wake up and start your day with an amazing breakfast at Ram Bhandar. ye aapko chowk pe mil jayega ya to Nadesar Mint House ke samne mil jayega, depending on wherever you stay and whichever outlet is closer to you. agar aap Ram Bhandar ja rahe hain, I recommend that you don't miss out on their jalebis and malpuas, which are out of the world. I really hope this video helped you out in creating a one day itinerary, jahan pe aap pure Banaras ka essence ko feel kar sakte ho and you can connect with the city. If you have any problems, if you have any questions, or if you want any local recommendations, just comment below and let me know, and I would love to help you out with my city. Thank you.